सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते दो जिला अधिकारियों और प्रशासनिक अमला निलंबित किए जाने के बावजूद जिला रामपुर में खनन माफिया बेखौफ होकर दिन रात जमीन का सीना चीर रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि 250 और पुलिस टुकड़ी के साथ खनन रोकने गई राजस्व विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने फायरिंग शुरू कर दी। किसी प्रकार जान बचाकर भागे राजस्व विभाग की टीम ने 9 खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रेत के काले कारोबार में दिन रात चांदी काटने वाले खनन माफिया धंधे से मुंह मोड़ने को तैयार नहीं है। पूरे जिले में अवैध उत्खनन का काला कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, जिसके चलते यहां तैनात रहे जिला अधिकारी और प्रशासनिक अमले को निलंबन का तक का मुंह देखना पड़ा। अदालत, हुकूमत और इंतजामिया की सख्ती के बावजूद जिले में अवैध खनन का काला कारोबार बेरोक टोक जारी है। ग्रामीण क्षेत्र तो दूर, जिले के थाना सिविलाइज में कोसी नदी किनारे ये काला कारोबार दिन रात जारी है। इस कारोबार पर अंकुश लगाने की नियत से राजस्व विभाग की टीम 250 और पुलिस पिकेट को साथ लेकर कोसी नदी पर पहुंची, तो वहां खुले आम जमीन का सीना चीरने का कारोबार जारी था। खनन माफियाओं को ललकारने पर उनकी जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। टीम व पुलिस कर्मियों ने बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। उनसे कहा भाई इधर आओ, तो वो गाली गलौज करने लगे और उसके बाद उसमें से एक तो फायर करते हुए और जंगल की तरफ भागते। तो हम लोग ट्रैक्टर ट्राली लेके और दो मोटरसाइकिलें जो उन्हीं लोगों में से किन्हीं की थी उनको लेकर थाने में दाखिल करा दिए गए और ट्रैक्टर ट्राली का ही वो कर दिया। बाकी जितने भी लोग थे उनको दरोगा जी ने पहचान लिया था, उनके नाम जो FIR दर्ज करा। थाना सिविल लाइन में कुछ खनन की शिकायत मिली थी, तो उसमें कंबाइंड जो टीम गई थी और उसमें मुकदमा लिखा गया, उसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, खनन से इस पर अंकुश लगता है, जबकि खनन बड़े पैमाने पे प्रशासन दोनों सतर्क हैं तो जरूर अंकुश लगेगा।